हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो मैंने ट्रैवलिंग और गुड न्यूज के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आने वाले अर्ली अगस्त एंड अर्ली सितंबर में सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज आने वाली है, चेंजेस, अपडेट, ट्रैवलिंग, वर्किंग, जो भी रूल्स हैं। उन्होंने कहा था कि हम अर्ली ऑफ अगस्त एंड अर्ली ऑफ सितंबर में बताएंगे रिसर्च करके, क्योंकि कल है सिंगापुर में नेशनल डे, यानी कि 9 ऑफ अगस्त सिंगापुर में नेशनल डे है, हैप्पी नेशनल डे। तो कल तक सिंगापुर की पॉपुलेशन जो है, जो सिंगापुर के अंदर सिटीजन जितने भी लोग हैं, 70% फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए सिंगापुर की गवर्नमेंट ने उसके एक दिन के बाद से बहुत कुछ ओपन करने वाले हैं और बहुत कुछ खोलने वाले हैं। तो क्या है गाइज, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं आपको न्यूज दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा, उसके तरफ से फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्या क्या है, किसके लिए है, कौन अप्लाई कर सकता है, किसके क्या है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें राइट नाउ, बिल्कुल फ्री है गाइस, क्योंकि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहती है। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें गाइस, मैं वहां भी अपडेट करता रहता हूं। इसके अलावा मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू बात कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जो रिसेंटली चेंजेस, अपडेट और रूल्स जो आए हैं उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखें गाइस, यार बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आपको तो ऑलरेडी न्यूज पता चल गई थी उसी दिन, जिस दिन सिंगापुर की गवर्नमेंट ने बताया था। आप लोगों ने मुझे वीडियो का लिंक, न्यूज का लिंक सब लोगों ने भेजा, मैंने उस पर स्टडी किया, मुझे भी पता चल गया था जब ये बात हुई थी, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे सबको फॉलो कर रखा है। तो क्या हुआ कि कल यानी कि सैटरडे को मैंने 8 कॉलेजों में बात किया। 8 कॉलेजों में क्या बात किया है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा बता दूं कि आज से 2 दिन पहले फ्राइडे को सिंगापुर की गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से न्यूज कही थी सिंगापुर को लेकर, यानी कि वहां पे 4 मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ टास्क, यानी कि 4 मिनिस्टर थे, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्टर था। तो उन्होंने अपनी बात रखी ट्रैवलिंग को लेकर, सिंगापुर को लेकर, वर्किंग को लेकर, हर मिनिस्टर ने अपनी अपनी बात रखी है। वो आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। यानी बता दूं, कल सिंगापुर में नेशनल डे है, सिंगापुर का बर्थडे है। तो कल तक सिंगापुर की पॉपुलेशन 70% फुली वैक्सीनेटेड हो जाएगी, यानी कि 70% फुली वैक्सीनेटेड हो जाएगी। और उसके आने वाले एक दिन के बाद, यानी कि 10 तारीख, यानी कि 10 अगस्त से सिंगापुर में बहुत सारी चीजें खुलने वाली है, जैसे कि डाइनिंग। मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर में डाइनिंग अभी क्लोज है, सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी का ही ऑप्शन था, बट अब एक ऑप्शन और बढ़ गया है, क्योंकि आप बैठ कर खाना खा सकते हैं रेस्टोरेंट में, कॉफी शॉप में, फूड कोर्ट में, हॉकर सेंटर में। क्या होता है मैं आपको सब बताऊंगा। तो मैं गाइज आपको वन बाय वन न्यूज दिखाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, वीडियो दिखाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगापुर की जो न्यूज है सीएनए की तरफ से डाइनिंग वाला, वो आप पहले न्यूज देखें मेरी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सीएनए का न्यूज है, सीएनए का पेज है, न्यूज है, आप जाकर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप जब इसको नीचे करोगे तो वहां पे लिख के आता है, खुद ने लिख दिया कि डाइनिंग टू रिज्यूम फॉर फुली वैक्सीनेटेड पीपल इन ग्रुप ऑफ 5 फ्रॉम 10 अगस्त, यानी कि 10 तारीख से आप 5 बंदे बैठ के खाना खा सकते हैं। उसके बाद एक फोटो लगी है, उसके बाद ये न्यूज है, डाइनिंग एट FMB आउटलेट्स विल रिज्यूम फ्रॉम 10 अगस्त, यानी कि आने वाले 10 अगस्त से रिज्यूम होने वाली है, ओनली फॉर फुली वैक्सीनेटेड। गाइस सुनो, ओनली फॉर फुली वैक्सीनेटेड पीपल इन अप टू ग्रुप ऑफ 5 एज अ सिंगापुर अनाउंस ए 2-स्टेप, यानी कि सिंगापुर में अब जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, जो सिंगापुर के अंदर, वो 5 बंदे बैठकर खाना खा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया, द करंट ग्रुप साइज फ्रॉम सोशल गैदरिंग विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 5%, यानी कि जो 2 बंदे अभी बैठ सकते थे, घूम सकते थे, वो अब 10 तारीख से 5 बंदे बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, खाना खा सकते हैं, टहल सकते हैं, किसी के घर भी जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ये अब फुली वैक्सीनेटेड जो होंगे उनके लिए। तो यही है गाइज, ये था जो ये न्यूज है, ये सिर्फ डाइनिंग के लिए है। इसमें आप मिस्टर
वो हमको दे सकते हो। उन्होंने कहा था कि जो दो बंदे या पांच बंदे बैठ के खाना खा सकते हो जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। अब इसके बाद एक और न्यूज है मैं बताने जा रहा हूँ, आप उसको देखें अच्छे से। जो दूसरी न्यूज है वो है ट्रैवलिंग के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, ये है न्यूज ट्रैवलिंग को लेकर। आप देख सकते हैं CNN का न्यूज है और फुली आप अच्छे से फुली वैक्सीनेटेड ट्रेवल्स फ्रॉम 8 कंट्रीज कैन अप्लाई टू सर्व स्टे होम नोटिस एट देयर रेजिडेंस। यानी कि अब जो फुली वैक्सीनेटेड पर्सन है वो ट्रेवलिंग कर सकते हैं 8 कंट्रीज में विदाउट क्वारंटीन, कोई क्वारंटीन नहीं होगा। मैं आपको सब आगे लेके चलता हूं, ये फोटो उसके बाद आप पढ़ सकते हो। उन्होंने लिख दिया सिंगापुर ट्रेवल्स फ्रॉम 8 कंट्रीज हु आर फुली वैक्सीनेटेड अगेंस्ट COVID-19 विल सून बी एबल टू अप्लाई टू सर्व देयर स्टे होम नोटिस एट देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस रेदर देन ए डिटेक्ट फैसिलिटी। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो भी बंदा सिंगापुर का, इन्होंने अब मैं आपको पहले बता दूं, जो इन्होंने सिर्फ बात की है सिंगापुरियन और PR यानी कि सिटीजन और PR के लिए इन्होंने बात की है कि वो 8 कंट्री ट्रैवलिंग कर सकते हैं और वो जब वहां से आएंगे तो वो अपने घर में ही क्वारंटीन रह सकते हैं, चाहे वो 5 दिन का हो। अभी इन्होंने उसे खुल के कुछ नहीं कहा कि कितने दिन तक घर में रहना पड़ेगा, कि इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि स्टे होम नोटिस दैट इट, स्टे यानी कि अपने घर में जो भी PR और सिंगापुरियन है। बट वही लोग ट्रैवलिंग करेंगे जो उनके फैमिली मेंबर्स भी फुली वैक्सीनेटेड होंगे। इन्होंने कहा कि अगर जैसे कि मैं फुली वैक्सीनेटेड हूं तो मेरे पूरी फैमिली भी फुली वैक्सीनेटेड होनी चाहिए, जैसे कि मैं जाऊंगा और जब वापस आऊंगा तो कोई भी इफेक्ट ना हो, क्योंकि वो फुली वैक्सीनेटेड है और मैं फुली वैक्सीनेटेड हूं, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। तो इन्होंने कह दिया कि फ्रॉम 11:59 का मतलब ये होता है कि रात को 12 बजे से, यानी कि जब रात को 12 बजने वाले होते हैं तब 20 अगस्त यानी कि आने वाले आज से 10 दिन के बाद यानी कि रात को 12 बजे से फुली वैक्सीनेटेड ट्रेवल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, साउथ कोरिया एंड स्विट्जरलैंड कैन डू सो इफ दे फुलफिल सर्टन क्राइटेरिया। यानी कि इन कंट्रीज में लोग ट्रेवलिंग कर सकते हैं सिंगापुर के सिटीजन और PR, दैट्स इट। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। आप ऐसा मत समझना कि इंडियंस भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं लाइक फ्री क्वारंटीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अदर लाइक आप ऐसा समझे कि इंडिया, पाकिस्तान, जो भी कंट्रीज हैं बहुत सारी, जो उन्होंने कंट्री का नाम मेंशन कर सकते हैं, आप देख लेना मेरी स्क्रीन पर जो भी कंट्री के नाम मेंशन है वहीं पर लोग जा सकते हैं और लोग वहां से आ सकते हैं। अब इनकी क्या बात हुई है अब गवर्नमेंट ही जानती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो वैक्सीन है वो ये वैक्सीन आप पढ़ सकते हो कि मिनिस्ट्री हेल्थ ऑफ मिनिस्टर एंड इंडिविजुअल, ये वैक्सीन है फाइजर, मोडर्ना, सिनोवर्क, चाइनीज की बहुत सारी है वैक्सीन है, सिनोवर्क, क्रोनोवैक्स, बहुत सारी एस्ट्राजेन एंड जॉनसन जॉनसन भी वैक्सीन है यार, बहुत सारी वैक्सीन आप देख सकते हो। अब आपको मैं एक न्यूज दिखाने वाला हूं, आप उसको अच्छे से पढ़ना जो मैं कहता हूं। गाइज आप ये पढ़ो, लिखा है फॉर सिंगापुरियन एंड परमानेंट रेजिडेंस, यानी कि मैंने पहले कहा है कि ओनली फॉर सिंगापुरियन एंड परमानेंट रेजिडेंस द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड 3 डेज प्रियर टू अराइवल बाय द सेफ ट्रेवल वे, यानी कि जब वो आना चाहेंगे तो वो 3 दिन पहले यानी कि सिंगापुरियन और सिटीजन वो कर सकते हैं, आने से पहले बुक कर सकते हैं अपना। तो गाइज ये था ट्रेवलिंग के ऊपर। अब मैं आपको तीसरी न्यूज के ऊपर लेकर चलता हूँ कि जो वर्कर है वो सिंगापुर में आए या जो भी गवर्नमेंट ने कहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये द स्ट्रेंथ टाइम का न्यूज है, इनका न्यूज चैनल भी है, इनका न्यूज भी है, सिंगापुर में इनका न्यूज़पेपर भी है। आप देख सकते हो कि वर्क पास होल्डर डिपेंडेंट फ्रॉम हाई रिस्क प्लेस कैन इंटर सिंगापुर फ्रॉम 10 अगस्त इफ फुली वैक्सीनेटेड। MOH ने कहा है कि जो हाई रिस्क कंट्रीज के लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं वो ट्रेवलिंग कर सकते हैं, वो आ सकते हैं वर्क पास होल्डर एंड डिपेंडेंट। ये फोटो लगा रखी है, क्या सीन है आप अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सिंगापुर वर्क पास होल्डर एंड देयर डिपेंडेंट्स विल बी अलाउड टू इंटर सिंगापुर फ्रॉम हाई रिस्क कंट्रीज और रीजन फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूजडे, यानी कि जो आने वाले एक दिन के बाद 10 तारीख है उस दिन से लोग वर्क परमिट के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और डिपेंडेंट यानी कि लड़का या लड़की सिंगापुर में शादी कर रखा है, लड़की ने किसी सिंगापुरियन से और लड़का ने किसी
लड़के ने किसी सिंगापुरी लड़की से, तो वो अपने अपने घर जा चुके हैं, वो डिपेंडेंट है यहाँ पे, क्योंकि उनके जो वाइफ या हस्बैंड वो लोकल के हैं तो वो उनके डिपेंड पे हैं, तो वो अगर अपने घर गए हैं तो वो आ सकते हैं, वो उनके चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो वो अप्लाई करेंगे फॉर अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए, तो वो आ सकते हैं। इसके अलावा वर्क पास होल्डर एमओएच ने कहा वो आ सकते हैं, न्यू एप्लीकेशन सबमिटेड होंगी, ठीक है। तो इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो भी वर्कर्स आएंगे वो फुली वैक्सीनेटेड होंगे। इसमें इन्होंने वैक्सीन का भी मेंशन किया है कि दिस इंक्लूडेड द फाइजर बायोटेक, इसमें बहुत सारी वैक्सीन है। अगर आप नीचे पढ़ोगे तो इसमें लिखा है जॉनसन एंड जॉनसन के बाद लिखा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन, यानी कि इंडिया ने, हमारे इंडिया ने, प्रधानमंत्री ने बहुत सारे देशों में कोविशील्ड वैक्सीन दी थी, तो वो भी यानी कि वो भी WHO यानी कि वेरीफाइड है, तो वो भी जिन जिनको वैक्सीन लगी है कोविशील्ड वो भी सिंगापुर आ सकते हैं। आप इस पूरी न्यूज को पढ़ेंगे तो इस न्यूज में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वो इंडिया के लिए बात कर रहे हैं या किसी अदर कंट्री के लिए बात कर रहे हैं। तो हाई रिस्क में इंडिया भी आता है, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज हाई रिस्क में आती हैं गाइस, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा खुल के नहीं कहा है कि हम किस कंट्री के वर्क परमिट को बुलाएंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब ये न्यूज आई है तो अब बहुत सारे एजेंट्स फायदा उठाएंगे वर्क परमिट को लेकर, फेक वर्क परमिट देंगे, पैसे लेंगे। मुझे बहुत सारे वर्क परमिट आए हुए हैं, इस पास आए हुए हैं, मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर आप सबको लाइव दिखाकर। तो गाइज अब ये है कि अब वर्क परमिट के चक्कर में अभी ना पड़े, ठीक है। ये जो सारी न्यूज थी ये थी अर्ली आप अगस्त, यानी कि जो अगस्त चल रहा है अर्ली आप अगस्त की सारी न्यूज थी। अभी अर्ली आप सितंबर बाकी है, यानी कि जो सितंबर में न्यूज आने वाली है वो भी अभी बाकी है। तो दोस्तों ये थी न्यूज सिंगापुर की तरफ से। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं जो वीडियोस थी, आप वीडियोस देखें कि सिंगापुर के मिनिस्टर्स ने वीडियोस में क्या क्या कहा है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं मेरी स्क्रीन पर, ये देखें। तो गाइज ये देख सकते हो स्क्रीन पर, ये है मिस्टर वोंग, और इनको आप सुने कि क्या कहना चाहते हैं, आप इसको अच्छे से सुने। तो आप पहले वीडियो देखें गाइज कि क्या कह रहे हैं। And so from 10th of August onwards, fully vaccinated individuals will be able to gather in larger groups of 5 persons. They can go out, they can visit one another in a group of 5. We will allow for larger event sizes if they are attended by only fully vaccinated persons too. So worship services, cinemas, MICE events, live performances, sports events can go up to 500 persons if they are attended by fully vaccinated persons. Wedding receptions can go up to 250 persons, fully vaccinated. And we will allow fully vaccinated persons to engage in higher risk mask off activities. तो उन्होंने बात किया है सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर के लिए वो जो फुली वैक्सीनेटेड है, गैदरिंग जो मैंने आपको सब बताया वही है। इसके अलावा आपको मैं एक दूसरी वीडियो दिखा रहा हूँ ट्रैवलिंग के ऊपर, जो है ट्रैवलिंग के वाली, वो भी वीडियो देख लें आप। तो दोस्तों आप देखो तो ये भी मिनिस्टर हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग यानी ट्रांसपोर्टर्स मिनिस्टर हैं। अब ये क्या कहना चाहते हैं आप इनको सुने अच्छे से, ये जो बात कहेंगे वो ट्रैवलिंग के लिए बात कहेंगे, आप इनको सुने अच्छे से। That some of these countries have now achieved a high level of vaccination and have reduced their infection rates very significantly. And we will therefore plan to open up vaccinated travel lanes with selected countries, where fully vaccinated individuals can travel to and fro Singapore and a selected partner country without SHN and replace the SHN with frequent testing. MOT is working out the details and will announce when ready. तो गाइज आपने देखा, इन्होंने कहा कि जो फुली वैक्सीनेटेड है उनके लिए वो ट्रैवलिंग करेंगे, जो उन्होंने कंट्री चूज करी कि किस किस कंट्री से उनकी बात हुई है उस कंट्री में जाएंगे, वापस आएंगे, घर में होकर अपना सेल्फ स्वैप टेस्ट करके अपडेट कर देंगे MOH को। तो आप लोग गाइज अपने माइंड से भी निकाल दे, मैंने हाँ एक बात कही थी वर्क परमिट के लिए हाई रिस्क कंट्री से, तो उसका भी वेट करें, अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं है कि किस किस कंट्री से हाई रिस्क कंट्रीज वाले आ रहे हैं या बुला रहे हैं। ऐसी कोई भी न्यूज आएगी मैं अपडेट कर दूंगा, अभी किसी को भी कुछ नहीं पता कि हाई रिस्क कंट्री बहुत है यार, इंडिया नहीं बहुत सारी हाई रिस्क कंट्रीज हैं। अब तो नंबर वन पे अमेरिका है यार, उससे बड़ी उस वहां पे तो रोज केस बढ़ रहे हैं 1,90,000, अब तो इंडिया में कंट्रोल हो चुका है, बट अभी बहुत सारी कंट्रीज है, इंडोनेशिया देखो वहां भी बहुत केस बढ़ रहे हैं, मलेशिया, ऐसी बहुत सारी कंट्री जो भी बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं। आप अपने माइंड में रखें कि इंडिया में केस बढ़ रहे हैं तो हाई रिस्क कंट्रीज को इसको अलाउ करेंगे नहीं, आप
किसी को कुछ नहीं पता कि क्या कब होने वाला है। तो आप लोग जो भी जिनका प्लान है आने का, वेट करें। अभी सिंगापुर ने ये सिर्फ वीडियो लाइक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी, अभी इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। अभी कल नेशनल डे कल गुजरने दो, उसके बाद भी बहुत सारी न्यूज आने वाली है। और मैं आप सबको बता दूं गाइस कि मेरी जो कॉलेज में कल बात हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि जो कल मेरे कॉलेज में, मैंने 8 कॉलेज में बात किया, बस मैंने उनसे इतना पूछा था कि जो कल ट्रैवलिंग को लेकर न्यूज आई है वो क्या है, इंडिया के लिए भी है? तो यार बताऊं, सबका जवाब ये था नॉट फॉर इंडियंस। यहां तक कि 2-3 कॉलेज वालों ने मुझे ये भी कहा था कि हमने आईसीए को मेल कर रखा है, ट्यूजडे को या वेनेसडे को हमारे पास न्यूज आएगी। क्योंकि क्या है कि कल भी यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे भी है और ट्यूजडे को भी यहाँ पे हॉलीडे है, मतलब हॉलीडे मनाया जाएगा कि नेशनल डे है तो उसका एक दिन आधा दिन तक हॉलीडे होता है। तो वेनेसडे या थर्सडे को कॉलेज में न्यूज आएगी, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या एग्जैक्ट न्यूज है। लॉन्ग टर्म और स्टूडेंट के लिए क्या न्यूज है, मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। है न्यूज तो है बट अभी नहीं, वो आने वाली वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए क्या न्यूज है, वो जब मुझे कॉलेज से पता चलेगा मैं उसके बाद वीडियो बनाकर आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। तो सो फार अभी ऐसे कोई भी न्यूज नहीं थी, ये सिर्फ सिंगापुर में जो फुली वैक्सीनेटेड थे उनके लिए था। सिंगापुर को रिज्यूम कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें खोल रहे हैं, डाइनिंग, ट्रैवलिंग, वर्किंग। अब ये वर्किंग जो जो वर्कर हैं ये कहां से आने वाले हैं, कब ये किधर है, मैं आपको सब बताऊंगा जब भी मुझे पता चलेगा। इन्होंने ऐसा भी कहा है कि हम एक्सेप्ट करेंगे न्यू फाइलें, यानी कि जो पहले के वर्क परमिट पास होल्डर थे, जा चुके थे, उनका अभी कोई जिक्र नहीं हुआ। ये कहता कि वी आर एक्सेप्टिंग न्यू फाइलिंग, यानी कि न्यू हम एम्प्लॉयर को बुलाएंगे सिंगापुर में। अब क्या है क्या नहीं है, कंस्ट्रक्शन, शिपयार्ड एंड मरीन, यानी कि ये तीन बड़ी बड़ी कंपनीज है। मरीन यानी कि शिपयार्ड, यानी आप जानते हैं कि जो समुद्र में जहाज पे काम होता है उसके लिए, और कंस्ट्रक्शन सिंगापुर में बिल्डिंग्स, एचडीबी, कॉन्डो, एमआरटी सब कुछ बन रहा है उसके लिए, वो उनके लिए हायर करेंगे, बुलाएंगे। तो गाइज यही था, तो मैंने कहा ठीक है, परसों नहीं जाई थी, मैंने कल रिसर्च किया, फिर मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो और हाँ, कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लेना, जिसको भी कोविशील्ड नहीं लगी है लगवा लो गाइज। सिंगापुर गवर्नमेंट ने अब फाइनली कह दिया है कि सिंगापुर की गवर्नमेंट ने जिसको भी सीरेनावा इंस्टीट्यूट यानी कि कोविशील्ड है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लो, सर्टिफिकेट रखो अपना ओरिजिनल अपने पास, और इंटरनेट पे उसको भी रजिस्टर करवा लेना। तो सो फार गाइज अभी ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कुछ भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दे, अगर नहीं अच्छी लगी तब भी लाइक कर देगा, क्योंकि आपके भाई का काम था न्यूज बताना। तो यही था गाइज, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।